નમસ્કાર, ઝેડએસ ટીવીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું મુદી શિવાંગી. આગળ વાત કરીએ તો દીવ કલેક્ટર સલોની રાય દ્વારા કોરોનાને લઈને જાહેર કરાયો આદેશ. દીવ જિલ્લા કલેક્ટર શ્રીમતી સલોની રાય દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજી દીવ ખાતે નવા આદેશ જાહેર કરેલ તેને આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે લોકડાઉન દરમિયાન દીવની જનતાનો ખૂબ જ સાથ સહકાર મળી રહ્યો છે. આજ સુધી દીવ ખાતે એક પણ કોરોના પોઝિટિવ કેસ નથી અને જે પરિસ્થિતિ છે તેમ જ રહે તે માટે લોકોને જણાવ્યું. સાથે સાથે દીવની દુકાનો સવારે 8 થી 1 વાગ્યા સુધી ચાલુ ખુલ્લી રહેશે, જ્યારે કેમિસ્ટની દુકાન 8 થી 12 વાગ્યા સુધી જ ખુલ્લી રહેશે. એરિયા પ્રમાણે 3 દુકાનો ખુલ્લી રાખવામાં આવશે, જે 12 થી લઈને સાંજે 8 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રહેશે. સાથે દરેક લોકોએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવું જરૂરી છે, જેનો કોઈએ પણ ઉલ્લંઘન કરવું નહીં. વધુમાં સલોની રાયે જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ લોકોએ સંસ્થાએ જ પણ વિતરણ કરવું હોય તો દીવ પ્રશાસનની વેબસાઇટ પર ફોર્મ આપેલ છે, તે ભરવું જરૂરી છે. 2 એપ્સ બનાવવામાં આવી છે, જેમાં એક કોરોના ટ્રેસર એપ્સ, જેમાં લોકેશન ટ્રેપ થાય જેથી કોરોના વાયરસનો કેસ આવે તો તેના સંપર્કમાં આવતા એ મેપ કરી શકે, જે દરેક એપ્સ ડાઉનલોડ કરી લેવી. બીજી એપ્સ આરોગ્ય સેતુ છે, જેમાં કોરોના વિશેની દરેક માહિતી ઉપલબ્ધ છે. પત્રકાર પરિષદમાં વધુમાં જણાવ્યું હતું કે દીવના ખાતે 80 જેટલા લોકો ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવેલા છે. મીનાક્ષી ગઢવી, ZS TV, દીવ. 80 લોગ હૈ જો હોમ ક્વોરન્ટાઇન્ડ હૈ ઓર 45 કે કરીબ ફેસિલિટી ક્વોરન્ટાઇન હૈ. હમને 2 ક્વોરન્ટાઇન સેન્ટર્સ ચાલુ કર દીએ. સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ મેં ભી લોગ હૈ ઓર સ્કૂલ 1 અને 12 સ્કૂલ મેં ભી લોગ હૈ. વિદેશ સે જો લોગ આયે થે ઉસકો इस वक्त लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी डिस्ट्रेस किट्स, राशन किट्स दी गई थी, जिसमें दाल, चावल, आटा और तेल, नमक, चीनी जैसी सारी चीज़ें थी जो CSR के अंडर दी गई थी. साथ ही साथ जितने यहाँ पे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं जो डेली वेज अर्नर्स हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे, उसका असेसमेंट करके उन लोगों को भी राशन की किट्स बांटी जा रही हैं. करीब 40 ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं और कुछ 100 के करीब सीनियर सिटीजन्स हैं जिसका अभी सर्वे चल रहा है, तो उनको भी राशन की किट्स दी जाएंगी. लॉकडाउन के लगभग 2 हफ्ते कंप्लीट होने वाले हैं और दीव की जनता का पूरा सहयोग रहा है लॉकडाउन में. और अभी तक दीव में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है, तो इसी सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए पिछले हफ्ते भी हमने दुकानों के टाइमिंग्स रिस्ट्रिक्ट किए थे. तो इस हफ्ते से और हम टाइमिंग्स रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जिसमें सारी दुकानें जो एसेंशियल कमोडिटीज़ बेचती हैं उनके टाइमिंग अब 8 से 1 बजे तक ही रहेंगे और केमिस्ट की दुकानों के टाइमिंग 8 से 12 बजे तक रहेंगे. और सिर्फ 3 दुकानें हम लोग एरिया वाइज कर रहे हैं जहाँ पे वो 12 से लेके शाम के 8 बजे तक खोल सकते हैं, तो वो लिस्ट दे दी जाएगी. तो इसलिए अब लोगों को और सावधानी बरतनी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें. किसी भी जगह पे जहाँ पे लोग सामान लेने के लिए आ रहे हैं, कोई भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि वो लोग डिस्टेंसिंग ना उसका उल्लंघन करें और डोर स्टेप डिलीवरी को एनकरेज करें. साथ ही साथ दीव प्रशासन वॉलंटियर्स के लिए भी कॉल कर रही है कि जो लोग अपनी वॉलंटरी सर्विसेज इस वक्त देना चाहते हैं वो लोग एक एनरोलमेंट फॉर्म है जो दीव की वेबसाइट पे मिलेगा, वो वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और दीव प्रशासन की सहायता कर सकते हैं. और साथ ही साथ 2 ऐप्स डेवलप की गई हैं. एक कोरोना ट्रेसर ऐप है जिसमें लोकेशन ट्रैक होती है, ताकि अगर कोई भी सिम्टोमेटिक या कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस कभी भी आता है तो उसके साथ साथ जितने भी संपर्क में लोग आए उसके पास आए तो वो ऐप ऑलरेडी उसको मैप कर लेगी और हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उसमें सहूलियत होगी. तो लोगों से ये अपील है कि वो ऐप डाउनलोड करें. और दूसरा, भारत सरकार की आरोग्य सेतु ऐप है तो वो भी डाउनलोड करें, जिसमें कोरोना वायरस संबंधित बहुत सारी जानकारी दी जा रही है. तो लोगों से यही अपील है कि जितने भी ऑर्डर्स इशू किए जा रहे हैं उसका पूरा पालन करें और दीव प्रशासन का सहयोग करें.